सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट होते हैं वे किस तरह से अपने स्टिमुली की तरफ रिएक्ट करते हैं, उनमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है, चलिए उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों के कुछ वर्ड हैं जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला वर्ड आप लोग का आ जाता है फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइटो मतलब होता है प्लांट, हार्मोन मतलब हार्मोन, यानी कि जो प्लांट के हार्मोन होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोहार्मोन कहते हैं, जिसका मैं बहुत बार यूज करूंगा इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप लोग दूसरा वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, डॉर्मेंसी। क्या डॉर्मेंसी, नोट भी करते चलिए, लिखते भी चलिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉर्मेंसी क्या होती है, डॉर्मेंसी प्यारे बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटाबॉलिज्म लगभग स्टॉप हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट का जो जो बेसिक वर्क होता है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, अब नहीं मान लीजिए अपने समझाता हूँ, मान लीजिए कि हम लोग हैं, तो हम लोग का मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, हम लोग अपने लाइफ में जितनी भी डेली एक्टिविटी करते हैं तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वही सबको हम लोग मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक छोटा सा हिंट है समझने के लिए। वैसे डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म एकदम स्टॉप हो जाता है तो उसी को हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। जैसे एक जो सीड होती है, सीड यानी कि बीज, बीज कब एक प्लांट का रूप लेती है, बीज एक प्लांट में कब बदलती है, जब वो अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देती है। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मतलब समझ सकते हैं आप लोग कुंभकरण का नाम है, ठीक है। अब कुंभकरण कब जागेगा, कुंभकरण जागेगा 6 महीने बाद। वो भी कैसे जागेगा प्यारे बच्चों, कुंभकरण 6 महीने बाद जब उसे मतलब कि जानबूझ के जगाया जाएगा अलग अलग तरीकों से, तब वो क्या करता है, जागता है, तब क्या करता है, जागता है। उसी प्रकार से जो डॉर्मेंसी होता है वो क्या होता है, मतलब कि जो सीड होती है उसके पास डॉर्मेंसी होती है, ठीक है। जो डॉर्मेंसी होती है इसका मतलब क्या कि मेटाबॉलिज्म एकदम से स्टॉप हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म स्टॉप होने का मतलब ये हुआ कि सीड ग्रो नहीं करेगी। अब प्यारे बच्चों, सीड कब ग्रो करती है, जब उससे वार्म मिले, मतलब कि उसे जो वार्म चाहिए होता है वो मिले, उसे जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो मिले, वाटर मिले, सनलाइट मिले, तो ये सभी जब रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होती है तभी ना सीड ग्रो करता है। ऐसा तो है नहीं कि सीड जैसे ही आप लोग क्या किए, ये एक सीड लिया इसे ऐसे ही फेंक दिया जाम जाता है, नहीं ऐसे ही नहीं उगता है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं जन्म लेता है, ठीक है। तो उसके लिए उसे उस टेम्परेचर में रहना पड़ेगा, उस फिजिकल कंडीशन, प्रेशर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी ब्रेक करने पे ही कोई भी चीज़ क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जैसे कि प्यारे बच्चों एनिमल क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसकी तरफ, अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरफ, उसी तरह से प्लांट जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फाइटोहार्मोन के बारे में। पहला हमारा टर्म है फाइटोहार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन। जनरली 4 टाइप के फाइटोहार्मोन होते हैं, कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला हमारा आ जाता है ऑक्सिन, पहला आ जाता है ऑक्सिन, और उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है गिबरेलिन, ठीक है, तीसरा आ जाता है साइटोकिनिन्स, चौथा आ जाता है हमारा एब्सिसिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कभी मत यूज कीजिएगा, हमेशा एब्सिसिक एसिड ही यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग बारी बारी इन लोगों के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सिन एक फाइटोहार्मोन होता है। ये प्लांट को ग्रो करने में क्या करता है, मदद करता है, फ्रूट को ग्रो करने में मदद करता है, मतलब कि जैसे फ्रूट नहीं होते हैं, जो फ्रूट का ग्रोथ होता है उसे कंट्रोल करता है, और इसी के साथ साथ फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को भी शो करता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में या फिर शायद इसी वीडियो में देख लें यदि ये वीडियो छोटी होगी तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन दोनों का मतलब भी आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सिन कंट्रोल करता है, फ्रूट ग्रोथ को ऑक्सिन कंट्रोल करता है, और सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेल का जो डिवीजन वगैरह होता है प्लांट में,
नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, तो प्लांट ग्रो कब करते हैं? जब इनका एक सेल दूसरे सेल में क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, या तो माइटोसिस से या तो मियासिस से, किसी भी तरीके से बस डिवीजन हो जाए। ठीक है, जब डिवीजन हो जाता है प्यारी बच्चों, तब उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, दूसरी सेल का, फिर तीसरी, फिर आठवीं, मतलब ऐसे मारे, मतलब बहुत ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे प्लांट ग्रो होने लगता है। तो बस उसी चीज़ को कंट्रोल करता है ऑक्सिन। ऑक्सिन किसे कंट्रोल करता है? सेल डिफरेंशिएशन वगैरह जो होते हैं उसे कंट्रोल करता है, और इसी के साथ साथ ऑक्सिन जो होता है प्यारे बच्चों, वो फ्रूट ग्रोथ को ही कंट्रोल करता है। और दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक, जो दोनों मूवमेंट होती हैं दोनों को कंट्रोल करता है। किसे? फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गिबरेलिन के बारे में। बस ये बहुत आसान है, ये भी सेल की इनलार्जमेंट में मदद करता है, यानी कि सेल को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, फ्रूट की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन रहती हैं। और इसी के साथ साथ ये शूट जो होती है, शूट शूट जानते हैं, रूट शूट, रूट शूट जो 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 सॉइल के ऊपर उगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सूट, और जो सॉइल के नीचे उगे उसे रूट। तो सूट की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है कौन? गिबरेलिन। गिबरेलिन जो होता है वो सूट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लिखते भी चलिए ठीक है। और फ्रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, फ्रूट फल, फलों की भी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये जो होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये ब्रेकिंग डॉर्मेंसी में भी मदद करता है, यानी कि डॉर्मेंसी जो होती है उसे ब्रेक करने में मदद करता है। अब जो तीसरा आ जाता है साइटोकिनिन्स, इसके भी फीचर हैं, ये भी सेल डिवीजन में मदद करता है, और इसी के साथ साथ ये भी ब्रेकिंग डॉर्मेंसी मदद करता है, ये भी सेल डिवीजन मदद करता है, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी मदद करता है, लिख लीजिए। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये एक अलग सा काम करता है जिसका नाम है ओपनिंग स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा को कंट्रोल करता है कि भैया अब ओपन करना है या क्लोज करना है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चौथा जो होता है वो होता है एब्सिसिक। एब्सिसिक बहुत ही स्पेशल, पता है क्यों? क्योंकि ये सबका उल्टा करता है। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग ये कहते हैं भैया सेल का इनलार्जमेंट हो, थोड़ा प्लांट बड़ा हो, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये उल्टा करता है सब कुछ। और ये जो डॉर्मेंसी होती है उसे प्रमोट करता है। सभी लोग डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, मतलब कि जो साइटोकिनिन्स होते हैं और जो गिबरेलिन्स होते हैं वो डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं कि भैया जो मतलब सॉरी डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं ताकि जो हमारी सीड है वो जल्दी से ग्रो हो सके, लेकिन ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो बहुत उल्टा है। और इसी के साथ साथ ये पेड़ की पत्तियाँ जो झड़ती हैं, जो जो फल जो होते हैं वो गिरते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो गिरते हैं, उसे भी क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब कि ट्री के जितने भी खराब एक्टिविटीज़ होते हैं वो सभी यही करता है बेचारा। कौन करता है? एब्सिसिक। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, कभी भी एस्कॉर्बिक मत कीजिएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज में दिया रहता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका वीडियो खत्म होता है प्यारे बच्चों। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा, जो आप लोग अभी को नोट्स बनाए इसका रिवाइज कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों यदि आप लोग यहां तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।